subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello friends, namaskar. Welcome to Hungry Spirits channel. स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Hungry Spirits में. दोस्तों बिग बॉस के घर में जब दीपिका पादुकोणे और लक्ष्मी अग्रवाल आती हैं, तो सब लोग बिग बॉस के घर वाले अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं और जो कि बहुत ही टचिंग था, बहुत ही बढ़िया था. लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला कुछ अलग चीजें कहते हैं. वो घर के बारे में ही बात करते हैं. वो क्या बात करते हैं, लेकिन वो भी एक तरह की उतना ही दर्द उसको होता होगा, उतना ही महसूस होता होगा. तो वो बात करते हैं एज शेमिंग की. सबसे पहले उसको बार 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 उनकी सिद्धार्थ शुक्ला की, हालांकि वो इतनी भी कोई सिद्धार्थ शुक्ला कहना था कि बूढ़ा नहीं हो गया हूं मैं, लेकिन किसी से भी कम भी नहीं हूं यार, बराबर का लड़ सकता हूं अभी भी. तो बार बार जो मेरी एज के बारे में बोला जाता है, खास करके आपको पता है कि रश्मि देसाई सबसे ज्यादा कहती है. वो रोज एक बार तो कम से कम सिद्धार्थ शुक्ला की एज का जिक्र करती है. हालांकि मैं आपको यहां पे बता दूं कि एज का कोई ज्यादा फर्क नहीं है. रश्मि देसाई है 35 की, सिद्धार्थ शुक्ला है 39 साल के. तो लेकिन 4 साल कब बीतते हैं ये पता नहीं चलता है. सबको यहां पे पहुंचना है. सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि भैया सबकी एज होनी है, सबको पहुंचना है, पहली बात. दूसरी बात वो कहते हैं कि मुझे औरत औरत भी बोला जाता है. और ये जो है बहुत पहले से, जो क्या नाम है उसका, सिद्धार्थ दूसरे राइटर आए थे वो भी बोलते थे इस शुक्ला को औरत औरत करके बोला जाता है कि ये औरतों जैसा करता है, औरत है. तो आई एम प्राउड टू बी औरत, वो कहते हैं कि आपको देख के हम समझ सकते हैं कि औरतें कितनी शक्तिशाली होती है, कितनी पावर होती है औरत में. तो मुझे औरत कहलवाने में कोई भी शर्म नहीं है. तो आपका इसके बारे में, सिद्धार्थ शुक्ला की इन दो पते की बातों के बारे में क्या कहना है, वीडियो नीचे कमेंट कीजिए और बताइएगा. देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स. धन्यवाद. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.